आज हम डिस्कस करेंगे जो कॉफिशियंट का क्वेश्चन होता है। देखिए, कॉफिशियंट का जो क्वेश्चन होता है उसमें हम क्या करते हैं, आपके पास कोई टर्म तो दी नहीं हुई है इसके अंदर, एक तो मिडल टर्म में नहीं बोलते और एक कॉफिशियंट में नहीं बोलते कि आर की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में नहीं गिवन होती। अभी मेरे पास एक्स है, मेरे पास वाई गिवन है, मेरे पास एन गिवन है, तो इसी को ही हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले के अंदर डाल लेंगे। तो फॉर्मूले के अंदर एंटर कर दिया जो जो वैल्यूज हमें पता है, एन पता है, एक्स पता है, y, तो पुटिंग करके हमने निकाल लिया। देन हम x वाली टर्म्स को, ये हमेशा जो क्वेश्चन दिया होता है कॉफिशियंट का, वो आपको x की ही टर्म्स में जैसे दिया होता है, आपने x वाली टर्म्स को आपने ना सॉर्ट आउट कर लेना है। इनको जब सॉर्ट आउट करोगे, जैसे देख सकते हैं हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो एक किस तरह से सॉर्ट आउट हुई है, ये वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो एक्स टू द पावर -3 आ रहा हो जाएगी, फिर बेस सेम हो जाएगा, पावर ऐड कर देंगे। अब ये क्या करते हैं, हमने ये एक्स की पावर में जैसे ही आ गया, आप ना हमेशा अब इसको ना हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, अगर आप कंपेयर करेंगे तो 17 -4 r किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। तो यहां से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे, बिकॉज अभी अब मेरे पास सब कुछ था बट r की वैल्यू नहीं थी। तो r की वैल्यू निकालने का ये तरीका होता है कि हम इसको कंपेयर करते हैं जिसका कॉफिशियंट हमने निकालना है, ठीक है। और आर की वैल्यू आने के बाद बस जो आर की वैल्यू नहीं थी वो पुटिंग कर दो, उसके बाद सॉल्यूशन करके हम आंसर निकाल लेते हैं। थैंक यू।